द्वीप परंपराओं के कारण दुनिया भर में हिमाचल का अपना स्थान है। इसी कारण हिमाचल को देव भूमि कहा जाता है। गौ माता को हम आदिकाल से पूजते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज देव भूमि में गौवंश की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। ऐसे संस्थान जो कि प्रदेश सरकार चला रही है, अगर उनमें ही गौवंश की स्थिति अति दयनीय हो जाए तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। अभी हाल में ही ऐसे मामले मीडिया के माध्यम से ध्यान में आए हैं कि सरकारी वेटनरी फार्मासिस्ट संस्थान मरयोग सोलन और नूरपुर खजिया में सरकारी गौशाला में गौओं की हालत दयनीय है और उनकी एक एक करके मौत हो रही है। जैसे ही ये विषय प्रदेश सरकार के समक्ष आया तो इस पर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्यवाही कर जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए हम प्रदेश सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और साथ ही मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी गौवंश के हितों से खिलवाड़ न करे। पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश गौशालाओं में जगह और चारा न मिल पाने के कारण सड़कों पर भटकने को मजबूर है, जिसका फायदा गौ तस्कर व्यापारी बनकर उठा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या फिर बैलों के हमले का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश का किसान भी बेसहारा गौवंश से बहुत चिंतित है। कई स्थानों पर गौवंश की तादाद इतनी अधिक हो चुकी है कि वहां के किसानों ने खेती करना भी छोड़ दिया है। विश्व हिंदू परिषद हमीरपुर के जिला मंत्री संजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर गौवंश की रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है उन सभी गौशालाओं को सरकार द्वारा अपनी ओर से समय समय पर उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि गौवंश के रखरखाव में किसी प्रकार की कमी न आए। जिला महोदय से आज गौवंश के लिए मिले तथा गौवंश की हत्या को रोकने के लिए तथा गौवंश के सुधार के लिए उनसे इस बारे में वार्तालाप हुआ। जिस प्रकार आज हमने जिला महोदय से इस बारे में बात की तो हमने गौवंश के लिए जो भी अच्छे से अच्छा उनके लिए जो भी चारा और उनके लिए मेडिकल सुविधा इन सब आधारभूत बातों पे बात की गई। और जो अभी कुछ दिन पहले जैसे सोलन में और नूरपुर में देखा गया कि जिस प्रकार चारा और अन्य बेसिक सुविधाओं के ना होते हुए गौवंश की जो है वो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति को आगे से ध्यान में रखते हुए उस पर कोई कदम उठाए। और सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करके इसकी पूरी जानकारी ली। आगे भी हम आपसे ही गुजारिश करना चाहेंगे कि गौवंश के लिए और जो भी हमारी गौ संस्था या गौशाला चल रही है उसमें चारा मेडिकल और अन्य सुविधाओं के लिए गाँव के लिए प्रशासन के द्वारा सहायता की जाए ताकि इन गौवंश को जो है वो बचाया जा सके। धन्यवाद।